ओवर व्यू ऑफ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अ क्लिक इको सिस्टम अब इसमें दो चीजें हैं जो आपको समझनी है आपको पता है ऑलरेडी लेकिन आपने एक साथ अब, अब यह समझें पहली के ये ई e कॉमर्स में क्यों जरूरी है दैट्स फर्स्ट पॉइंट नंबर टू के इन दोनों का कंबिनेशन क्यों जरूरी है क्योंकि सेपरेटली हमें पता है वॉट इज क्लिक एक्चुअली हमें पता है क्या होता है क्लिक और हमें यह पता है इको सिस्टम क्या होता है अगर मैं क्लिक इको सिस्टम में से क्लिक का वर्ड निकाल दूं तो आई नो वॉट एको सिस्टम इज फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है उसका अपने एक इको सिस्टम है वहां पे ग्रुप्स बन सकते हैं मैसेजिंग हो सकती है शेयरिंग हो सकती है एंड सो ऑन तो वी नो वॉट एन इको सिस्टम इज बट द पॉइंट हेयर इज कि जब दोनों को मिला के हम डिस्कस करें तो इसकी क्या अहमियत क्या है ई e कॉमर्स में ये क्यों कर रहे हैं तो पहले तो यह समझे क्लिक इकोसिस्टम इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ एनी ई कॉमर्स मैनेजमेंट मतलब ब्रेड एंड बटर से मुराद यह है कि देखें जब भी हम कोई ऑनलाइन स्टोर खोलते हैं या कोई भी शॉपिंग स्टोर खोलें तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है रेवेन्यू जनरेट करना रेवेन्यू जनरेट करना और प्रॉफिट अर्न करना सिंपल अब जब हम ऑनलाइन चले गए वर्चुअल चले गए तो रेवेन्यू जनरेट करने का जरा तरीका फर्क है उसका मार्केटिंग का तरीका फर्क है लोगों तक एक्सेस करने का तरीका फर्क है तो दिस इज वॉट अ क्लिक इकोसिस्टम इज देखें ऑनलाइन परचेज में योर कस्टमर स्टार्ट विद क्लिक ऑन द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय योर कंपनी और योर ऑनलाइन स्टोर व्हाट्स एवर सो क्लिक इकोसिस्टम इज एंड टू एंड कैप्चरिंग एंड टू एंड जर्नी एंड टू एंड फ्लो ऑफ अ क्लाइंट स्टार्टिंग फ्रॉम सर्चिंग द प्रोडक्ट विजिटिंग द वेबसाइट बाइंग द प्रोडक्ट एंड गिविंग द फीडबैक यह एक पूरे का पूरा इकोसिस्टम है जो क्लिक के थ्रू कैप्चर हो रहा है अब क्लिक के थ्रू कैसे कैप्चर हो रहे हैं अब आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो ऑनलाइन स्टोर फॉर एग्जांपल Amazon है या फॉर एग्जांपल फेसबुक है वो आई मीन हाउ दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट या एक क्लिक इकोसिस्टम का फायदा क्या है फायदा इसका ये है कि हमारे लिए तो ये एक क्लिक है लेकिन जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स uh, हैं उनके लिए ये खाली क्लिक नहीं है उनके लिए ये बिहेवियर है कंज्यूमर का हाउ द हाउ द कस्टमर और कंज्यूमर इज बिहेविंग ऑनलाइन ये उनको ट्रैक डाउन करने में मदद करता है क्लिक इकोसिस्टम तो अगर मैं इसको आपको यू बोलू कि क्लिक इकोसिस्टम इज अ गोल्ड माइन ऑफ डेटा इट्स अ गोल्ड माइन ऑफ डेटा जो आपको बगैर कहीं जाए बगैर आपकी एक्सेस में हो सकता है यानी हमने भी जब ऑनलाइन मार्केट प्लेस एनालिसिस को डिस्कस किया था तो पहली चीज मैंने आपको बोली थी कि पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है अब पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करना है हाउ वुड यू नो कि फॉर एग्जांपल जर्मनी में लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न क्या है क्या वो वीकेंड पे ज्यादा स्पेंड करते हैं क्या वो कंज्यूमर गुड्स ज्यादा खरीदते हैं क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है व्हाट्स सोएवर यह कहां से ड्राइव होगा ऑनलाइन ये ड्राइव होगा उनके ऑनलाइन कंज्यूमिंग के बिहेवियर से वो कहां से जनरेट होगा वो जनरेट होगा क्लिक इकोसिस्टम से सो so, इसको आप लोगों ने अंडर एस्टिमेटिंग करना पॉइंट वे योर ऑनलाइन स्टोर कॉन्सेप्ट विल स्टार्ट लेटर ऑन जब हम ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे तो पहली चीज हम जो आइडेंटिफाई कर ना वो ये होगा कि हमने बेचना क्या एक्चुअली वो बेचना क्या है वो ट्रांसलेट करेगा कि लोग खरीद रहे क्या है लोग क्या क्या चीज खरीदने में इंटरेस्टेड है फॉर एग्जाम्पल पीपल आर क्रेजी अबाउट फुटबॉल लोगों को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि मैसी कौन सी टीम से खेल रहा है खेल भी रह के नहीं खेल रहा टी शर्ट कौन से नंबर की पहनेगा फुटबॉल कौन से कंट्री से आएगा कितने लोग आएंगे एन सो ऑन देर इज आर लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन सो ये कहां से ट्रैक हो रहा है ऑनलाइन ऑन अ क्लिक ऑन अ क्लिक से हो रहा है सो वॉट डज इट मीन कि जो ज्वाइंट कंपनीज है लाइक like फेसबुक है गूगल है सेल्स फोर्स है इंस्टाग्राम uh, है उन्होंने अपने खुद के इको बनाए हुए हैं खुद के क्लिक इको बनाए हुए हैं रीजन बहुत सिंपल रीजन है जो कि आपने समझ नहीं है दैट्स देयर दैट्स देयर ब्रेड एंड बटर ये फेसबुक का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गूगल का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सेल्स फोर्स का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कि वो क्लिक यानी वो बिहेवियर बेच रहे हैं एक बड़ी मशहूर कोलेशन चल रही है कि फेसबुक सिट ऑन द नॉलेज वो क्या नॉलेज या गूगल नॉलेज में बैठा हुआ है वॉट इज दैट नॉलेज दैट नॉलेज इज कंज्यूमर बिहेवियर जो कंपनीज अच्छा खासा पैसा स्पेंड करती हैं टू फाइंड आउट फिजिकली आके वेरिफिकेशन करती हैं जाके आ, फिजिकल स्टोर से बात करती हैं कि लोगों का आ, आ, जो परचेजिंग पैटर्न है वो क्या है किन दिनों में परचेजिंग होती है तरह की परचेजिंग होती है कितने पैसे लोग खर्च कर सकते हैं परचेजिंग पावर क्या है लोगों की एंड सो सम अप क्लिक पॉइंट योर योर ऑनलाइन स्टोर इन रेवेन्यू स्टार्ट एक्चुअली सो फेसबुक हो गया गूगल हो गया इंस्टाग्राम हो गया सेल्स फोर्स हो गया इन्होंने अपने पास जो इनके इनके पास क्लिक करते हैं वो उन्होंने अपने पास एक सिस्टम में स्टोर किया हुआ एंड वेन एवर आस्क फॉर इज एक्चुअली कंप्लीट जर्नी ऑफ अ क्लाइंट पोटेंशियल क्लाइंट हो गया एग्जिस्टिंग क्लाइंट का बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है रीजन कि क्लाइंट को रिटेन करना आजकल के कंपेटेटिव जमाने में इट इज मोर डिफिकल्ट देन इट वॉज विदाउट इंटरनेट एरा क्योंकि जितनी लोगों को अवेयरनेस ज्यादा हो रही है कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की डिमांड भी वैसे ही इंक्रीज हो रही है